विनोद जी, हुआ क्या था, कैसे आपको पता चला, कब की बात है? ये कल शाम की जी 8:24 की बात है जी, रात को। तो बच्चियां, हमारा मंदिर है लाला वाला पीर का जी, काफी पुराना मंदिर है, तो वहां पे सारे बच्चे इकट्ठे हुए अंदर हॉल में खेल रहे थे मंदिर के। तो वहां पे हमने जब सीसीटीवी कैमरा देखे, उसके बता रहा हूँ, एक कोने में ये शख्स खड़ा होके जी बच्चों को नोटिस कर रहा था। इसने 2 मिनट नोटिस करके तो ये आया और जो मेरी बेटी है सुकन्या, उससे टच करके ऐसे उसे बातचीत करी कि बेटे आप क्या कर रहे हो, जो कहाँ खेल रहे हो, ऐसे बातचीत करके उसको बोला कि मैं बच्चों के लिए लड्डू और कपड़े लेके आना चाहता हूँ, आपकी हाइट अच्छी है, आप मेरे साथ चलो बाइक पे कि थोड़ी दूरी जाना है। तो बेटी ने बोला कि अंकल कब तक आओगे? तो बोल गया अभी 2 मिनट का रास्ता है, चलो। तो ये उसको लेके बाहर निकला जी। जैसे ही बाहर निकला, सीसीटीवी कैमरे में देखा कि इसकी बाइक साइड खड़ी थी थोड़ी, तो ये साइड पे गया। बेटी को इसने बोला कि जब मैं बाइक स्टार्ट करूंगा फिर आपने मेरे पास आना है, ठीक है। तो बेटी ने बाकी बच्चों को बोला कि मैं अभी जा रही हूँ कि मैं अंकल के साथ आपके लिए जो सामान, यानी कि आपकी बेटी ने बच्चों को बता के गई कि अभी, हाँ, वो सारे बच्चे छोटे वाले उनको बोला कि अंकल जी मुझे ये आपके लिए सामान लेके जाने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस बातों में फुसला के तो बेटी जाने के लिए रेडी हुई। इसको लेकर कहाँ गया, कितनी दूर तक इसको लेकर गया? उसको लेके जी हमारे गांव से बाहर आधा किलोमीटर पे जी एक सड़क है जी, सकेतड़ी घुड्डाली शेर और कांसल की जी, जो पॉइंट ज्वाइंट जो है वो उसपे करता है, कैंप वाले जो पीजे रोड, हाँ जी, जो बैक साइड से खुड्डाली शेवा रोड है उस पे लेके गया जी। उस रोड के ऊपर थोड़ी दूर जाके जाके टाटा वालों का प्रोजेक्ट है जी, 25 किलो का जी, ठीक है। तो वहाँ पे उसने लेफ्ट जो बाइक मोड़ी ना जी, तो वो तराई काफी थी, तो आगे कांटा तार लगी हुई थी, अंधेरे में दिखा नहीं उसकी, डायरेक्ट 40-50 की स्पीड में बाइक जाके उसमें बजी, ठीक है। वो कांटा तार उसके गले में लगी, उसका यहाँ ब्लीडिंग आने लगी, बच्चा पीछे गिरा, उसके बैक पे चोट लगी, बच्चे की भी चोट लगी, हाँ जी बैक पे चोट लगी है जी, ठीक है। तो फिर बच्चा रोने लग गया, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि बेटे रोना, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो बेटी ने बोला कि मैं अंकल रोऊंगी नहीं, मुझे घर छोड़ दो, फिर उसके हाथ पे वो डर गया। इतने में 2 बंदे पास से गुजर रहे थे, उन्होंने उठाया, उसे फटाफट बाइक मोड़ी, बच्ची को थोड़ा गाँव के बाहर छोड़ के फिर वो भाग गया जी, ठीक है। तो फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि आप कैसे पहुंचे? फिर बेटी भाग के जी घर पे आई, रस्ते में उसको मेरे फादर साहब रस्ते में घूम रहे थे गांव में, उसके घर पे आई, उसने घर पे आकर रोने लगी बहुत ज्यादा, तो मैंने प्यार से उसको चुप कराया, पानी पिलाया। फिर मैंने पूछा, मैं बेटी क्या हुआ? कह रहे मुझे एक अंकल ले गया था सामान दिलवाने के लिए और हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम गिर गए, अंकल भाग गया। तो मेरा उसका माइंड चला, तो मैं मंदिर में गया, मंदिर में कैमरे लगे हुए हैं जी, मैंने सीसीटीवी कैमरे फोटो निकाली वहां से। तो सर, ये जो शख्स दिखाई दे रहा है जो सीसीटीवी में, इसको पहले कभी आपने देखा है, कभी पहले मिले? नहीं जी, ये अजनबी है जी, बट जैसे अभी हमने बातचीत करी, ग्रुप्स में मैसेज डाला, तो वहां से पता लगा कि काफी दिनों से गांव में, मतलब इसे सिर्फ लाके घूम रहा था। हाँ जी, इन्होंने बताया। तो इसका कोई अभी तक पता चला कहाँ का है ये, कहाँ का रहने वाला है? हाँ जी, थोड़ा सा जैसे रात हमने जब वीडियो डाली तो काफी गांव पड़ता है खुड्डाली शेर, तो वहां पे इसका मकान बताया जा रहा है। तो गांव वालों ने बताया कि इसने यहाँ भी 1-2 बार किसी लड़की को, पहले भी जो गरीब परिवार है उनके बच्चों को उठाया, तो पुलिस वालों से लेके गए वहाँ पे, तो इसके वो जमानत हुई है, क्या हुआ हमें पता नहीं, पर 1-2 बार पहले भी इसने ऐसे कांड किए हैं जी, ठीक है। और इसको खुड्डा एक यहाँ डड्डू माजरा में इसका कोई घर है, वहाँ मुंह वाली माँ है, उसके घर से इसकी लोकेशन पाई गई, ये वहाँ गया भाग के। तो पकड़ा गया है, पुलिस ने कुछ बताया? जी हाँ जी, थोड़ा सा पता लग गया जी, अभी फिलहाल तो मेडिकल के लिए आ रखे बच्चे की, तो SHO साहब से वहाँ इन्फॉर्मेशन आएगी, उसको पकड़ लिया गया है जी। तो मामला दर्ज हो गया सर? अभी हमें इतना मामले का दर्ज हुआ है, क्लियरली नहीं पता लगा कि SHO साहब से मिले नहीं हम, तो हमें मेडिकल के लिए भेजा हुआ है, हम सुबह से मेडिकल के लिए आ रहे हैं। बच्चा ठीक है? जी बच्चा ठीक है, वैसे ठीक है। क्योंकि सर इस तरह का हैरानी वाली बात है कि चंडीगढ़ जैसी सिटी में इस तरह का किडनैपिंग करके कोशिश करना, तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह के लोगों को जरूर जो है वो ध्यान भी रखने वाली बात है। हाँ जी बिल्कुल जी, एक चीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जी, आज कल माहौल ज्यादा ही खराब हो गया, कि हमें अपने आप भी बच्चों के ध्यान के लिए कुछ रखना चाहिए, किसी अनजान के साथ भेजने से पहले बच्चों को थोड़ा गाइड करें जी, हमें भी शिक्षा मिली है कि बच्चों का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा जी, कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए।